आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमों के रिटेन प्लेयर का लिस्ट सामने आ चुका है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सभी 10 आईपीएल टीमों के ऑफिशियल रिटेन प्लेयर्स के बारे में, यानी कि आईपीएल की सभी 10 टीमें अपने स्क्वाड में कौन कौन से मेन प्लेयर्स को रिटेन कर रही है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक पूरा बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो आइए बात करते हैं सभी टीमों के रिटेन्ड प्लेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग आईपीएल 2025 के प्लेयर रिटेंशन को मोबाइल में बिल्कुल आसानी के साथ लाइव देखना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आईपीएल प्लेयर रिटेंशन को आसानी से लाइव दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के टेलीग्राम पे फॉलो कर ले। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन सभी 10 टीमों के ऑफिशियल रिटेंशन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ। तो मुंबई का रिटेंशन कुछ इस प्रकार से होगा, ये टीम करेगी रिटेन अपने सबसे बड़े प्लेयर रोहित शर्मा को। इसके साथ ही 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को भी रिटेन किया जाएगा। इसके बाद यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह मुंबई के स्क्वाड में रिटेन होंगे और हार्दिक पांड्या को भी मुंबई इंडियंस अपने स्क्वाड में रिटेन करती हुई नजर आएगी। तो मुंबई इंडियंस का रिटेंशन इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। इसके बाद अगली टीम एक बार फिर से 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। और चेन्नई के रिटेंशन के बारे में बात करें तो ये टीम रिटेन करेगी ऋतुराज गायकवाड़ को। इसके बाद एमएस धोनी को भी रिटेन किया जाएगा, जहां पे सिर्फ 4 करोड़ में एज एन कैप्ड प्लेयर ये टीम रिटेन करेगी एमएस धोनी को। इसके साथ ही मथीसा पथिराना जो कि इस टीम के यॉर्कर किंग है उनको भी रिटेन किया जाएगा। इसके बाद पावरफुल बैट्समैन शिवम दुबे भी रिटेन होंगे और एट द एंड ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी चेन्नई सुपर किंग्स अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन करती हुई नजर आएगी। इसके बाद अगली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की है और SRH के रिटेंशन के बारे में बात करें तो ये टीम सबसे पहले 23 करोड़ रुपया दे करके हेनरिक क्लासेन को रिटेन करेगी। उसके बाद अपने विनिंग कैप्टन पैट कमिंस को भी ये टीम रिटेन करेगी 18 करोड़ में। उसके बाद 14 करोड़ में ये टीम अपने ओपनर ट्रैविस हेड को रिटेन करेगी। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी को भी सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा वापस से रिटेन किया जाएगा। वहीं अगली टीम है राजस्थान रॉयल्स की और राजस्थान रॉयल्स के रिटेंशन के बारे में बात करें तो ये टीम रिटेन करेगी सबसे पहले कप्तान संजू सैमसन को 18 करोड़ में। उसके बाद ये टीम रिटेन करेगी 14 करोड़ के रकम में यशस्वी जायसवाल को और एट द एंड रियान पराग को भी राजस्थान रॉयल्स अपने रिटेंशन में इंक्लूड कर रही है, यानी कि रियान पराग भी राजस्थान में रिटेन होंगे। वहीं अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की और RCB के रिटेन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो ये टीम सबसे पहले अपने सबसे सुपरस्टार प्लेयर विराट कोहली को रिटेन करेगी। और खास बात यह है कि विराट कोहली अब RCB की कप्तानी भी संभालेंगे। इसके साथ ही ये टीम फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को रिटेन करेगी और एक और फास्ट बॉलर जो कि लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर यश दयाल है उनको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन किया जाएगा। तो RCB का रिटेंशन इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद अगली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की और कोलकाता नाइट राइडर्स के रिटेंशन के बारे में बात करें तो इनका काफी शॉकिंग रिटेंशन है। ये टीम आंद्रे रसेल और श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करेगी, जबकि ये टीम कब सबसे पहले करेगी ऑलराउंडर सुनील नारायण को रिटेन। उसके बाद रिंकू सिंह को भी रिटेन किया जाएगा। इसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को KKR के स्क्वाड में वापस से रिटेन किया जाएगा। तो कोलकाता कुल मिलाकर के टोटल 4 प्लेयर्स को रिटेन करेगी और ऑक्शन में 2 RTM के साथ जाएगी, जहां पे RTM का इस्तेमाल ये टीम आंद्रे रसेल और श्रेयस अय्यर के ऊपर कर सकती है मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद अगली टीम दिल्ली कैपिटल्स की है और दिल्ली का जो अभी तक रिटेंशन आ रहा है वो काफी शॉकिंग है, क्योंकि ये टीम ऋषभ पंत को शायद से रिटेन ना करे। तो दिल्ली का रिटेंशन इस प्रकार से होगा, जहां पे ये टीम कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन करेगी। तो दिल्ली कैपिटल्स का रिटेंशन इसी प्रकार से आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद अगली टीम पंजाब किंग्स की और पंजाब किंग्स के रिटेंशन के बारे में बात करें तो ये टीम 2 अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करेगी, जिसमें पहला नाम आता है इस टीम के पावरफुल बैट्समैन शशांक सिंह का और दूसरा नाम आता है एक और पावरफुल बैट्समैन आशुतोष शर्मा का। तो इन दोनों प्लेयर को पंजाब रिटेन करेगी और बाद बाकी 4 RTM पंजाब मेगा ऑक्शन में यूज करेगी। वहीं अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट की और लखनऊ सुपर जायंट के रिटेंशन के बारे में बात करें तो ये टीम सबसे पहले विकेट कीपर धाकर बल्लेबाज निकोलस पूरन को रिटेन करेगी और उसके बाद ये टीम 4 इंडियन को रिटेन
रोटेशन करेगी, जिसमें नाम आता है मयंक यादव, रवि बिश्नोई, आयुष बदोनी और मोहसिन खान का। तो लखनऊ सुपर जायंट का रिटेंशन आईपीएल 2025 में इसी प्रकार से आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है। वहीं अंतिम टीम गुजरात टाइटन्स की, और गुजरात टाइटन्स के रिटेंशन के बारे में बात करें तो ये टीम 5 प्लेयर को रिटेन करेगी, जिसमें सबसे पहले राशिद खान को रिटेन किया जाएगा, उसके बाद शुभमन गिल को भी गुजरात टाइटन्स के स्क्वाड में वापस से रिटेन किया जाएगा, इसके साथ ही शाहरुख खान भी रिटेन होंगे, और इसके बाद साई सुदर्शन और राहुल तेवटिया को गुजरात टाइटन्स अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन करेगी। तो ये था आईपीएल 2025 के सभी 10 टीमों के रिटेंशन का लिस्ट। आपके हिसाब से आपकी टीम को कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करना चाहिए कमेंट में बताएं। वैसे ऑफिशियल लिस्ट हम आपको रिटेंशन के बाद तुरंत टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, तो बिना किसी देरी के टेलीग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।